बनाना इसे बिल्कुल इजी है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो देखिए इस केक को बनाना कैसे है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस केक को बनाने के लिए 200 ग्राम हमने सूजी लिया है। सूजी हमने मोटी वाली ली है इसलिए इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप बारीक वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ग्राइंड नहीं करना। सूजी को हमने 2 मिनट तक पीस लिया है, इसे डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में। सूजी को दरदरा हमने पीस लिया है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। दोबारा से वही मिक्सी का जार हमने लिया है, इसमें डाल देंगे 100 ग्राम चीनी। लिड लगाकर चीनी को भी हम पीस लेंगे। चीनी को हमने पीस लिया है। अब पीसी हुई चीनी में हम डालेंगे 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह में बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्लास डाल देंगे मिल्क और तीनों चीजों को मिक्सी में चर्न कर लेंगे। इससे ज्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा, हाथों की मेहनत बच जाएगी। और इस घोल से जब हम केक बैटर रेडी करेंगे तो केक बहुत बढ़िया फूलता है और बिल्कुल स्मूथ गाढ़ा बैटर बनकर रेडी हो गया है बिना मेहनत के। ये देखिए अब पीसी हुई सूजी को लेना है। सूजी में थोड़े थोड़े इस घोल को डाल करके केक के लिए बैटर रेडी करेंगे। हैंड विस्कर ले सकते हैं या तो आप स्पून से ही इस बैटर को रेडी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए फेंटना है क्योंकि सूजी है, सूजी काफी मिल्क अब्सॉर्ब करेगी। 200 ग्राम सूजी का बैटर रेडी करने में 1 ग्लास मिल्क बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग है। अगर आप पानी से भी बैटर रेडी करते हैं तो इतना ही पानी आपको लगेगा। इस बैटर को ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। केक को बेक करने के लिए कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देना है। केक बैटर रेडी करने से पहले ही ये काम कर लेना है। लिड लगाकर छोड़ देंगे, केक टिन रेडी कर लेंगे। एक टिन में हमने ऑयल ग्रीस कर दिया है, बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर देना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो सूखे मैदे से इसे डस्ट कर दें। इधर सूजी वाले बैटर को रेस्ट होते 10 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से फूल गई है और काफी मिल्क भी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब विस्कर की हेल्प से 5 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटना है। फेंटने से केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। 5 मिनट तक हमने फेंट लिया है। कुछ ड्रॉप्स मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस की क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं। अगर वनीला एसेंस आपके पास नहीं है तो फिर इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। इलायची से भी केक बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि इलायची फ्लेवर वाला केक और भी टेस्टी होता है। वनीला एसेंस को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सबसे लास्ट में डालना। थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे जिससे ये एक्टिव हो जाए। बेकिंग पाउडर डालकर हल्के हाथों से सिर्फ मिक्स करना है। इन्हें डालने के बाद बैटर को बिल्कुल फेंटना नहीं है। ज्यादा फेंटने से इनका एक्टिवेशन खत्म हो जाएगा जिससे केक बिल्कुल फूलेगा नहीं और जालीदार नहीं बनेगा। केक बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बैटर को ज्यादा थिक भी नहीं रखना है, ज्यादा लूज भी नहीं करना। मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए काजू बादाम। आप इसकी जगह में चेरी भी डाल सकते हैं या आप केक को सिंपल भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स केक बना रही हूँ इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है। इन्हें भी हमने मिक्स कर दिया है। अब तुरंत इसे डाल देंगे केक टिन में क्योंकि बैटर रेडी होने के बाद तुरंत इसे बेक होने के लिए रखना है। टिन को 3 बार इस तरह से टैप कर देंगे जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे निकल जाएंगे। केक को डेकोरेट कर देंगे काजू और बादाम से। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इसे बेक कर सकते हैं। इधर कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। लिड हटाकर स्टैंड के ऊपर रख देंगे प्लेट। प्लेट के ऊपर केक टिन रखने से बैटर में बराबर हीट पहुंचेगी जिससे केक चारों तरफ से बढ़िया बेक होगा। केक वाला बैटर रखने के तुरंत बाद इसे ढक देना है और ढक करके 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देंगे। समय ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है हीट कितनी पहुंच रही है। पूरे 45 मिनट बाद मैंने इसका लिड हटाया है। बहुत बढ़िया केक फूला है, देख सकते हैं आप। टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे, केक बैटर बिल्कुल नहीं लगा है, देख सकते हैं आप। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे। उस समय केक को गार्निशिंग आप ना करें। 20 मिनट केक बेक होने के बाद इसे गार्निश करें क्योंकि उस समय जो हमने गार्निशिंग की थी तो जैसे ही केक फूलना स्टार्ट हुआ है तो सारे ड्राई फ्रूट सिमट कर सेंटर में चले गए हैं। इसलिए आप ये गलती ना करें, मैं आपको बता रही हूँ। जब केक 20 मिनट तक बेक हो जाए उसके बाद ही आप इसे गार्निशिंग करें। केक को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। नाइफ लेना है, नाइफ से इसके एजेस क्लीन कर देंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। टिन के बैक साइड से थोड़े टैप कर देंगे। टिन में बिल्कुल बैटर नहीं लगा है, टिन बिल्कुल क्लीन है। केक में से बटर पेपर को हटा देंगे और इसकी जाली देखकर ही आपको पता लग रहा होगा, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना बढ़िया केक बेक हुआ है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ केक के अंदर का टेक्सचर। और ये देखिए सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हो जाता है सिर्फ और सिर्फ घर की चीजों से। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को